रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और ये बाजार जो है थोड़ा सा पहले होता तो अच्छा रहता किसानों के लिए। अगर आप नौकरी या व्यापार के इच्छुक हैं तो आपके लिए भी विशेष जानकारी आज वीडियो में देंगे। मैंने हाथी घोड़े का कीमत नहीं लिया हिम्मत करने के लिए। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है शनिवार और तारीख 24 फरवरी 2024। आज सुबह का मौसम साफ रहा है। गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। लहसुन, प्याज और आलू के बाजार भाव और उठाव की पूरी रिपोर्ट बताएंगे भाइयों। 3-4 मिनट की वीडियो में आपको देंगे मंडी माहौल की पूरी जानकारी। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है, जिसमें फल और सब्जियों का बाजार भाव का माहौल आपको बताएंगे। हर दिन करनाल मंडी में शाम को आलू की आवक होती है, लोकल माल की आवक होती है और बोली भी होती है, लेकिन वीरवार की शाम को बोली नहीं होती। किसान भाई उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाए और ज्यादा जानकारी के लिए अपने आड़ती भाई से संपर्क करें। भाइयों, आलू के बाजार का रुझान अब ऊपर की तरफ है। करनाल मंडी में अभी लोकल माल की ही आवक बनी हुई है। आज आलू के बाजार का रुझान जानेंगे आड़ती भाई श्री सुमित सचदेवा जी से। बाबू जी नमस्कार। जी नमस्कार रमेश जी, कैसे हो? बढ़िया बाबू जी, आप सुनाओ जी, कैसे हो बाबू जी? बस मजे में है जी, बड़ी। आलू का क्या कुछ रुझान चला बाबू जी? आलू का रुझान धीरे धीरे ऊपर की तरफ है जी, बढ़िया। आलू 400 प्लस हो चुका है। 400 प्लस जा चुका है जी, बढ़िया आलू हो चुका है। 350 से मीडियम माल शुरू है। हाँ जी, हाँ जी। इक्का दुक्का लाट 450 तक भी बिक जाते हैं, पर 400 प्लस ही माने बढ़िया आलू का बाजार। बढ़िया आलू का बाजार 400 प्लस। आलू में अब थोड़ा सा मौके पे रेट लगेगा, लगेगा। आलू में अब उछाल देखने को मिल रहा है बाबू जी? देख रहे हैं जी, उछाल तो चल रहा है, पिछले 10-1 दिनों से उछाल चल रहा है जी। जी जी, हल्का हल्का ऊपर की तरफ ट्रेंड चला हुआ है। तो इस बार बाबू जी आलू तेज रहने की संभावना है कुछ? देखो जी, चल तो रहा ही है, और ये बाजार जो है थोड़ा सा पहले होता तो अच्छा रहता किसानों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बाकी देखते हैं, देखते हैं, हर हफ्ते का देखना पड़ेगा जी, जायजा लेना पड़ेगा, मंडी में अराइवल देखनी पड़ेगी, उसी से पता लगेगा जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी सब्जियों के बारे में आज हमारे दर्शकों के साथ विस्तार से जानकारी साझा की। नाम, नंबर और फर्म का नाम बाबू जी? सुमित सचदेवा जी, 94162098999, 94162098699, 587 शॉप नंबर, रामा फ्रूट एजेंसी, रामा श्यामा फ्रूट एजेंसी। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। कोई भाई मंडी में फल सब्जियों का आड़त का काम करना चाहता है तो किराए के लिए दुकान खाली है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कोई भाई मंडी में मुनीम या हेल्पर का काम करना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क करें। प्याज में उठापटक का माहौल चला हुआ है, कभी बाजार टाइट हो जाता है तो कभी डाउन हो जाता है। आज प्याज में 2 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी स्थायी रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी हल्की सी तेजी देखने को मिली थी और प्याज 2 दिन में फिर से नीचे आ चुका था। मंडी में गुजरात प्याज, राजस्थान प्याज की आवक अच्छी देखने को मिल रही है, नासिक प्याज की आवक थोड़ी कम देखने को मिली। प्याज का बाजार भाव, नासिक प्याज 20 रुपए से 22 रुपए किलो और प्याज गुजरात भाइयों 18 से 22 रुपए किलो, और प्याज राजस्थान सिक्कर वाला 12 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो का बाजार रहा है आज करनाल मंडी में। लहसुन का बाजार अब गिरावट की तरफ है, जैसे जैसे नए लहसुन की आवक बढ़ती जा रही है इसी तरह बाजार में अब गिरावट भी लगातार चली हुई है। लहसुन का बाजार आज करनाल मंडी में 130 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 170 रुपए किलो तक रहा है। भाइयों, यह था आज करनाल मंडी में आलू, प्याज और लहसुन का बाजार भाव वीडियो भाग एक। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसका नाम है पटकोना, खाओ पियान को गला से पानी कर देता, 2 दिन का रोटी खा लो गला से पानी कर देगा। कहा बाबू जी अपना हाथ मुंह में डाल के जड़ी बूटी का स्वाद देखो, ये बाबा थोड़ी कैसे डाल दो इसके अंदर, दो पत्ती केसर मिला दो, दो पत्ती केसर डाल दो, दुकान बंद करो, प्रचार बंद कर दो। बड़ा चिंता करने वाले हमारे भाई लोग हैं, 100-200 रुपए को लेकर रगड़ रहे हैं। हाय राम, लू के ना लू, दवाई खाने पीने से काम करेगा क्या? नहीं, मालिक ने आग दिया, भगवान ने आग दिया, पहचानो। मैंने इसमें कोई बेमानी वाली जड़ी बूटी नहीं डाला, 100 रुपया बेमानी करके नहीं लूंगा। 100-200 रुपए से मेरा घर नहीं बनेगा, 100-200 रुपए से मेरा घर नहीं बनेगा, मगर हिम्मत करने के लिए मैंने हाथी घोड़े का कीमत नहीं लिया। हिम्मत करने के लिए
मैंने हाथी घोड़े का पैसा नहीं लिया, अब मैं जिस मेरे मालिक को लेना है ये लोग अपने मुँह से आवाज करके मांग लो, समझ में आ गया तो ले जाओ। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।